हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस होपफुली सब बढ़िया होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस हमने पिछला व्लॉग देखा हुआ जिसमें जो शिवरात्रि की जो तैयारियां थी वो देखने गए थे, तो इतना कल कुछ खास नहीं था, बट आज देखने वाले। आज है 1 मार्च और फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको हैप्पी महाशिवरात्रि, गॉड ब्लेस यू भोलेनाथ की तरफ से। गाइस आज हम जाने वाले हैं मेला देखने। तो गाइस अभी तो बजे सुबह के 9:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं तो नहा धो के मतलब मंदिर में पूजा वगैरह करके बैठा हूँ एकदम। तो अब चलते हैं थोड़ी देर में मतलब मेला देखने। अभी तो कुछ खास नहीं हो रहा, तो लोग पर पूजा करने आ रहे हैं। अभी जा रहे हैं हम मंदिर के लिए जा रहे हैं, तो मैं और मेरे फ्रेंड जा रहे हैं स्कूटी पे जा रहे हैं। पहले स्कूटी से हम तेल डलवाने जाएंगे पेट्रोल पंप पे, फिर जाएंगे हम मंदिर पे। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, फटाफट से चलते हैं, अभी तो दिखाते हैं आपको। गाइस अभी हम आ गए हैं मेले में, तो यहाँ पर अभी इतनी भीड़ नहीं है, बट अभी आगे जाके देखते हैं क्या है नहीं है। अभी एक भाई अपने बात कर रहे पर भाई से देख लो, अभी तो मतलब लोगों ने दुकान लगाई है। भाई हिचकियाने लग गई, क्या बताऊँ, अभी दुकान लग रही है, इतनी भीड़ नहीं है, अभी सुबह का टाइम है ना इसलिए। तो ये देखते हैं भाई मंदिर में हो के आते हैं, पहले दर्शन करके क्या आते हैं उसके बाद दिखाते हैं। बैलून से बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करके, और एक कैमरे में देखो जो अंदर मतलब जो मूर्ति है उसको दिखाया जा रहा है। बैलून अब की बार तो बहुत ज़्यादा लगा रखी, पिछली बार इतना कुछ नहीं था खास। गाइस एक नंबर का, और रात को तो लाइट जैसे कि जब देखना एक नंबर का हो जाएगा। इधर देख लो माता जी अपनी जो भी मनोकामना है वो पूरी करते हैं यहाँ पर, ये शिव जी भगवान हमारे, यहाँ पर लाइट लगी हुई है। तो 1% तो एक नंबर का काम चल रहा है यहाँ पर। गाइस अभी हमने मंदिर में तो दर्शन कर लिए हैं, और अब चलते हैं बाहर देखने। तो गाइस अभी हम बाहर आ गए, और बाहर का व्यू अब थोड़े थोड़े लोग आने लगे हैं मेला देखने। तो यहाँ पर देखो खिलौनों की रेडी मतलब दुकान लगी हुई है, और अभी आगे आपको दिखाता हूँ मैं अपना। ये देखो यहाँ पर लाइन में लगी हुई है, मतलब अभी इतना कुछ खास नहीं है, बस शाम को देखते हैं। देख लो लोग अभी थोड़े आ रहे हैं, मतलब शाम को ज़्यादा आएंगे ना देखने के लिए, जब आपको एक बार और दिखूँगा। तो फिर हम वैसे देखने आए थे। मंदिर में दर्शन और मेला भी देख लिया है, तो आएंगे शाम को, तब चलते हैं फटाफट से घर पे।
अब आ गए हम सुबह के बाद, अब हम आ गए हैं, अभी बज रहे सुबह शाम के 5 और अब देख लो भीड़ कितनी हो रखी है और झूला भी पूरा भरा हुआ है भाई। सनसेट भी हो चुका है, 5:15 हो गया और यहाँ पर इतनी भीड़ हो रखी है कि पैर नहीं टिक रही है मेरे दोस्त। तो अभी एक बार पहले मंदिर में चलते हैं दर्शन करने और आपको थोड़ा सा मेले का ये भी दिखा देता हूँ यहाँ से। देख लो गाइस अब भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पहले चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। व्लॉग में तो देख ही लिया होगा कि हमारे यहाँ पर इस टाइप का कुछ मेला भरता है महाशिवरात्रि का। और व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो अब चलते हैं फटाफट से घर पर क्योंकि मैं थक चुका हूँ। गाइस फाइनली अभी मैं जो घर पे आ गया हूँ मेले से और अभी बज रहे हैं 7:45 हो गया भाई साहब। बहुत भीड़ थी, आपने देखा व्लॉग में, थोड़ा बहुत थक रखा हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर और थोड़ा मैं दिखा भी नहीं पाया भाई साहब, बहुत भीड़ रहते हैं, डर लगता है कभी कोई फ़ोन ना ले जाए मेरा, यार डर था इसलिए। पर यार मज़ा आ गया, कल जो तैयारी थी ना वो तो कुछ भी नहीं थी, बट आज जब देख के ना मेले में वो बहुत ही एक नंबर का भाई मज़ा ही आ गया। तो गाइस आपने भी ब्लॉग को मतलब मजे लिए होंगे, मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से। तो बस इस ब्लॉग का यही एंड करता हूं क्योंकि मैं थका हुआ बहुत ज़्यादा, बस सोना ही है, बस थोड़ा थक रहे हैं, पापा जी आ जाते हैं। ठीक है, तो बस इस ब्लॉग का यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।